श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतिये नमः। कम करो, सिर्फ वहीं पे दे दो। कीर्तन प्रारंभ करता हूं, ओ बाबा जी सुनो मेरे भगवान, 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 सुनो मेरे भगवान। अर्जुंडा में विराजियो मैं धरु तिहारो ध्यान, धरु तिहारो ध्यान, मैं धरु तिहारो ध्यान, मैं धरु तिहारो ध्यान, मैं धरु तिहारो ध्यान, धरु तिहारो ध्यान, धरु तिहारो ध्यान। आइए अर्जुंडा धाम की पावन धरती से आज्ञा ले, इस आसमान से आज्ञा ले, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से आज्ञा लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि जो हवा यहाँ बह रही है वही हवा खाटू में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए तो हवा में खाटू पहुंच जाए। उठाएं जरा दोनों हाथ और बुलाएं जरा मिलके, आबो जी आबो, आबो जी आबो, मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकवाली रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, मां चामुंडा जी रूपेण संस्थिता, मां जम्मू वाली रूपेण संस्था, माँ वैष्णो देवी रूपेण संस्था, पहाड़ी वाली रूपेण संस्था, बनभौरी वाली रूपेण संस्था, वो देवसर वाली रूपेण संस्था, गुड़गामा वाली रूपेण संस्था, वो बेरी वाली रूपेण संस्था, वो बाला सुंदरी रूपेण संस्था, सराय पाली वाली रूपेण संस्था। नमस्तस्य 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 नमो नमः, 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 नमस्तस्य नमो नमः। कौन कौन मानता है नव दुर्गा को, दोनों हाथ उठाकर गाना। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, फेरा आना और जाना होता है और डेरा बैठ जाना होता है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा फेरा नहीं बोलेगा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी
बैठे हैं क्या? बम्बा बोले, 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 शिव सामा शिव सामा शिव समा शिव समान दाता नहीं और विपद विदार सेवा मेरे नंदी के अजबार मेरे नंदी के अजबार मेरे नंदी के अजबार नंदी के अजबार भोलेनाथ का मुझे ऐसा लगता है मेरी सोच है किसी और से अभिप्राय नहीं करता मैं अर्जुंडा धाम अर्जुन या तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में है या अब सरायपाली के अर्जुंडा धाम में अर्जुन है तो भोलेनाथ अर्जुन से प्रसन्न होके मल्लिकार्जुन में बैठे थे अर्जुंडा धाम में प्रसन्न होके दोनों हाथ उठे जरा मिलकर गाना एक बार भोलेनाथ का डमरू बजेगा और आपने ताली नहीं बजानी ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जहां तक पीछे जमीन खाली पड़ी है ना हमें वहां तक जाना है वो एक ही है जो ले जा सकता है भोलेनाथ ओके तो एक बार गाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो कुल देवता इष्ट देवता कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि कुल देवता और इष्ट देवता में क्या फर्क है कुल देवता वो जो आपके दादा परदादा मानते हुए आ रहे हैं और इष्ट देवता वो जहां पर आपका दिल लगता है अगर खाटू जाकर आपका दिल लगता है और दादा परदादा नहीं जानते थे तो आपके इष्ट देवता खाटू के श्याम और जब आप इनको मानते रहोगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो एक दिन ये भी जाकर आपके कुल देवता बन जाएंगे साहब हैं ये फर्क है चार शक्तियां हैं आज दुनिया जानना चाहती है कि सनातन में क्या शक्ति है इस भगवे में क्या ताकत है मैं उन्हें बता दूं इस भगवे की ताकत को तुम्हें तुम्हारा नाम आधार कार्ड निकाल के दिखाना पड़ता तुम्हारा नाम क्या है हमें आधार कार्ड निकाल के नहीं दिखाना पड़ता हमारे माथे का तिलक और हाथ की मौली का धागा बता देता है हम कौन हैं और आज तो मैं देख रहा था निशान ही निशान चल रहे थे सरायपाली में और वो पानी पिला रहे थे आनंद आ रहा था भाई उनको भी समझ आ रही थी इनके पीछे पीछे चलने में ही समझदारी है और कोई कुछ नहीं कर सकते कुल देवता इष्ट देवता रहियो सदा दयाल रहियो सदा दयाल रहियो सदा दयाल कोरस बंद हो गया है बोलो भाई चलाओ ना तार निकाल दिया क्या तुमने छू छू कर
अब देखो किसी को भेजो भाई, एक ही है हमारे पास। मेरे बालाजी महाराज, 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 मेरे बालाजी महाराज। आज आपने बहुत उत्तम काम किया। मेरे बालाजी महाराज, मेरे बालाजी। कौन कौन मानता है बालाजी को? बालाजी के लिए दो मिनट के लिए ताली बजेगी और एक ही नाम गूंजेगा अर्जुन मुंडा में, बालाजी महाराज। कौन कौन मानता है पितरों को? माना करो, चाहे आप कहीं से भी आए हो। इस कीर्तन की सबसे ज्यादा खुशी किसको है? आपसे भी ज्यादा खुशी किसको है? बाबा से भी ज्यादा खुशी किसको है? आपके पितरों को। स्वर्ग एक है, दो नहीं है। इस समय आपके दादा भी बैठे होंगे और मेरे दादा भी बैठे होंगे, और क्या बात कर रहे होंगे कि वाह यार मजा आ गया, तेरे वाला पोता भी अर्जुंडा धाम में बैठा और मेरे वाला पोता भी अर्जुंडा धाम में। क्षमा चाहूंगा, आज किसी के पास भी चले जाओ, सियाने के पास, देखना मेरा काम नहीं चल रहा है। वो क्या बोलता है? तुम्हें तो पितृ दोष है। सबसे पहली लाइन ये रटी हुई है, कुछ नहीं कहना सामने वाले को, बस तुम्हें तो पितर दोष है। दादा मेरा, पर दादा मेरा, सेवा मेरे परिवार ने की और वो नाराज है, ये तुझे बता के जाएगा? नहीं साहब, आपको लगे कि दादा पर दादा नाराज है तो पता करना परिवार में कि कौन सी सब्जी खाया करते थे, वो सब्जी बना के उनकी तस्वीर के आगे रख देना कि दादाजी जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन नाराज ना रहा करो। जब इस मूर्ति में प्राण फूंक देते हो, वो तो हमारे साथ रहते थे, कैसे नाराज हो जाएंगे साहब? अभी एक फोन आया, बोले कन्हैया जी कीर्तन के लिए समय दे दीजिए। मैंने समय दिया, बोले नहीं इसमें नहीं करा सकते। मैं बोला क्यों? बोले ये तो श्राद्धों के दिन है, मैं इससे क्या होगा करवाने से। बोला ये हमें लगेगा ही नहीं। मैं किसको लगेगा? बोले तो पितरों को लग जाएगा। मैं तेरे से ज्यादा सेल्फिश आदमी कौन होगा यार। शुक्र कर तेरी किस्मत को कि तू उनके लिए कुछ कर पा रहा है। और जब नवरात्रों में पितरों को याद कर सकते हैं तो श्राद्धों में भगवान को क्यों नहीं याद कर सकते यार? क्यों नहीं याद कर सकते? तोड़ो इन भ्रमों को, 24 घंटे हैं हमारे साथ। वो अगर वो नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं मेरे अग्रसेन जी महाराज के लिए गाऊंगा, आप अपने पूर्वजों के लिए गाना। दोनों हाथ उठा के पितरों के लिए ताली बजा कर गाना। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा, क्या बात है सराय वाली। जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। 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 एक बार मेरे साथ गाना पड़ेगा आप सबको। धाम बन रहा है, एक रुपया देना या दो रुपया देना, लेकिन देना जरूर। उसका कारण बता दूं, जब आने वाले समय में आपका बच्चा, आपका पोता आपका हाथ पकड़ के यहां आएगा और जब आप उसे कहोगे देख इसमें अपने पड़ोसी गुप्ता जी है ना,
उन्होंने दिया था, अपने पड़ोसी अग्रवाल जी उन्होंने दिया था, अपने सामने शर्मा जी रहते उन्होंने भी दिया था, और पोता पूछेगा दादा व्हाट अबाउट अस, हमने क्या दिया था, तब उसको क्या जवाब दोगे सोच लेना। और वहीं आपने 2 रुपए दिए होंगे तो पोते को ये नहीं कहोगे बगल वाले गुप्ता जी ने दिया था या अग्रवाल जी ने दिया था, ये कहोगे पोता माथा टेक, इसमें तेरे दादा ने भी कुछ दिया हुआ है। देखे जाना मैं सेवा देने आया हूं अपनी टीम के साथ, सबका फ्लाइट का टिकट करा के आया हूं, फ्लाइट में बिठा के वापस भी लेके जाऊंगा, एक पैसा इस धाम से लेके नहीं जाऊंगा। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मेरे साथ जो आए हैं गोपाल जी पेंड्रा से, कहां है गोपाल जी, आपने 1 लाख रुपया इनको दे के भी जाना है, आप भी दे सको तो दे कर जाना, ओके डन है ना, पक्का, इनके लिए भी ताली बजाओ, दिलेरी ऐसी होती है, सोचा नहीं जाता देते हुए, देते हुए सोच, लेते हुए सोचते हो क्या, आने दे आने दे आने दे। और जब देने की बारी आती है, अरे साहब जिसने देना जान लिया ना उसको लेने की कभी जरूरत नहीं होती, उसके पास तो बरसते हैं जिसको देना आ जाए। तो पितरों के लिए दादा परदादा के लिए ताली बजे, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, कितने आए हैं खाटू वाले श्याम जी।